वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूं, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सरसों की भाजी हम घर पर किस तरह से लगाएं। तो बस मैंने मिट्टी का गमला लिया है, आप देख रहे हैं जो होल है गमले में, जो छेद होता है उसे आप किसी भी पुराने पत्थर से, दिए से, किसी से भी थोड़ा सा उसे कवर कर दें। गमले में जो छेद इसलिए होता है दोस्तों ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो सके। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं पॉटिंग मिक्सचर। मैंने 50% साधारण सी मिट्टी ली है, जो भी मिट्टी आपके घर के आसपास अवेलेबल है बस वही आपको मिट्टी लेना है। 30% मैंने इसमें सैंड डाला है, रिवर सैंड डालना है जिसे हम बालू या रेत भी कहते हैं। 20% मैंने मिक्स किया है वर्मी कंपोस्ट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट को आपको इसमें डालना है, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट, चाहे तो नीम की खली, चाहे तो मस्टर्ड केक, कोई सा भी आप कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत से खाद के बारे में जानकारी दी है, और हरियाली खाद भी आती है, बोन मिल भी आती है, ऐसे बहुत तरह तरह की खाद आती है दोस्तों। जो भी आपको मिल जाए आप ज़रूर डालें। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, जितनी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होंगे, उतनी ही तेज़ी से हमारे पौधों की ग्रोथ होगी। तो बस इस पॉटिंग मिक्सचर को आपको गमले में डाल देना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ दोस्तों कि आपको किस तरह से पॉटिंग मिक्सचर तैयार करना है, और ये जो पॉटिंग मिक्सचर है आप सभी प्रकार के पौधों में डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का। चाहे आप हरा धनिया लगाएं, हरी मिर्ची लगाएं, आपको वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना। वर्मी कंपोस्ट एक खाद होती है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये जो राई के दाने हैं जिसे कि हम कई लोग सरसों भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी एक लेना है, राई या सरसों, और इस मिट्टी में आपको इसको सिर्फ स्प्रिंकल करना है। और फिर क्या करना है, आपको इसे मिट्टी में डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी से इसे ढक जरूर दें, कवर जरूर कर दें, क्योंकि राई के सीड्स दाने इतने छोटे छोटे होते हैं, कई बार बहुत तेज़ हवा चलती है और दाने उड़ जाते हैं। तो आज आप देख सकते हैं पूरे 5 से 6 दिन के बाद की शूटिंग है, सरसों की भाजी बहुत ही जल्दी उगती है, सबसे कम टाइम लगता है, 4 से 5 दिन में तो पूरा मेरा ये गमला हरियाली से भर चुका है, आप देख सकते हैं। और आप भी इसे ट्राई करें दोस्तों, ये पूरे 10 दिन के बाद की शूटिंग है, आप देख सकते हैं पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। मैं पूरे अपडेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले दिन से जब तक के मैं इन पौधों की कटिंग नहीं करती हूँ मैं सभी का अपडेट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पौधे बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं। बस अब आपको हर 15 दिन में एक बार किसी भी खाद को ज़रूर डालना है, यह है हरियाली खाद दोस्तों। आपको जो दिख रहा है ना दोस्तों, यह है हरियाली खाद। कोई भी खाद डालें आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, जो आपके पास है, परंतु आपको 10 से 15 दिन में एक बार खाद डालना है, तभी हमारे पौधों की ग्रोथ फास्ट होगी। तो बस इसी तरह आप इसकी देखभाल करिए। आज पूरे 20 दिन के बाद की शूटिंग दिखा रही हूँ, मेरे सरसों की भाजी के पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। अब आपको शायद इसके पत्ते बहुत क्लियर समझ में आने लगे होंगे। शुरू में हमें लगता अरे ये तो सरसों की भाजी के पत्ते नहीं हैं, जब तक के ट्रू लीव्स नहीं आती हैं। ट्रू लीव्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप देखिए, अब तो आपको लग गया होगा ना कि ये सरसों की भाजी है। धनिए का पौधा लगाने का वीडियो भी मैंने शेयर किया है, कम से कम 10 से 12 दिन के बाद जो उसकी पत्तियां आती हैं दोस्तों वो उसकी ट्रू लीव्स नहीं होती हैं। धनिए की जो ट्रू लीव्स होती हैं उसे आने में कम से कम 20 दिन का टाइम लगता है, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो धनिए का पौधा है ही नहीं। और सरसों की जो भाजी है, अब तो आपको बहुत ही क्लियर दिख रही होगी कि ये सरसों की ही भाजी है। बस समय समय पर पानी दें और हर 10 से 15 दिन में किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट को ज़रूर डालें। तो ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, या कभी कभी नीम की खली डाल दें। मेरे पास तो सभी तरह की खाद है, इसलिए मैं जो कंपोस्ट है, खाद है, उसे भी मैं हमेशा बदल बदल कर देती हूँ। एक तरह का खाना यदि हम पौधों को देते हैं तो पौधे उतने अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते हैं। तो आपको भी बस ऐसे ही पौधों का ध्यान रखना, यदि आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर पर भी बहुत अच्छे से पौधे लगें, चाहे वो धनिया हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे मीठे नीम का पौधा हो, तो आपको उनकी देखभाल करना ही होगा, समय समय पर मिट्टी को उपजाऊ बनाना ही होगा, और उसमें कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और जब भी आप
सीड्स लगाएं दोस्तों, 4-5 दिन धूप में ना रखें, उसके बाद तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें। जितना बढ़िया हम इन्हें खाद पानी और सनलाइट देंगे, उतनी ही तेज़ी से पौधे बढ़ेंगे। अब आप सरसों की भाजी की पत्तियां देखें कितनी अच्छी बढ़ चुकी हैं, 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो आज मैं आपको थोड़ी सी इसकी कटिंग बता रही हूँ। कभी भी इसके पौधों को जड़ सहित ना उखाड़ें, ऊपर ऊपर से कैंची की मदद से इसकी पत्तियों को काट लें और बस खाने में इस्तेमाल करें। चाहे तो सैलेड में इसकी कुछ पत्तियाँ डालें, ज़रूरी नहीं कि आप इसकी पूरी सब्ज़ी बना के ख़त्म करें। कुछ पत्तियों को सैलेड में डालें, सूप में डालें, किसी भी चीज़ में, जैसे हम हरा धनिया डालते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी पत्तियों को डालें। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये तरीका था सरसों की भाजी को घर पर उगाने का। घर के ही राई के दाने और सरसों के दाने से मैंने इसे उगाया है। तो आप भी इस तरह से घर पर सरसों की भाजी को उगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।